समीकरण हल करना सीखा था। तो द्विघात समीकरण में दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल और पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। सबसे पहले द्विघात समीकरण हल करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हल अगर होगा तो इसके कितने मूल आएंगे, ठीक ना। मान लीजिए कोई डॉक्टर इलाज करता है, पहले टेस्ट करता है कोई कैसा रोग है क्या है, तो द्विघात समीकरण को भी टेस्ट करने का एक फार्मूला है। अगर हम टेस्ट कर लें तो ये उस फार्मूले से पता चल जाएगा कि हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। और हल करेंगे तो इसके एक मूल आएंगे कि दो मूल आएंगे। मूल मतलब रूट्स होता है, उसके मान होते हैं। समीकरण के एक मान आएंगे कि दो मान आएंगे और दोनों मान कैसा होंगे, ठीक है ना, ए मान हो जाते हैं। तो इसको हल करने के लिए यदि द्विघात समीकरण ए हो, ax स्क्वायर धन bx प्लस c बराबर जीरो के मूल अल्फा और बीटा हो, जहां वेयर a b एंड c की एनी रियल नंबर, कोई a b c रियल नंबर, तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले a मान निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको व्युत्क्रम बोलते हैं d को, ठीक ना। a मान निकालते हैं, इसमें तीन कंडीशन हो सकता है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आए, अथवा जीरो से बड़ा मिले, अथवा जीरो से छोटा मिले, ठीक है। तो एक एक कंडीशन हम देखते हैं, यदि इसके मूल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल या ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो हो तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, और असमान होंगे। इसके मतलब ये होता है कि दोनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब अल्फा का मान कुछ और होगा, बीटा का मान कुछ और होगा, अलग अलग होगा। यदि यह हो तो दोनों मूल बराबर होंगे, मतलब चेक कर लेंगे। अगर ए मान आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाए, तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। यही यदि तीसरा कंडीशन होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल इसके मतलब जब इस तरह से हमको आ जाए तो हम समीकरण को हल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। केवल इसी दोनों कंडीशन में हम समीकरण को हल कर देंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाए तो हम समीकरण को हल नहीं करेंगे, केवल यही लिख देंगे इस समीकरण के मूल काल्पनिक है, अतः इसको हल नहीं किया जा सकता। सही बात, मान लो दो पन्ना हल करने से बेहतर कि चेक कर लो। अगर इस तरह से आ जाए तो सीधे लिख सकते हैं कि समीकरण का मूल काल्पनिक है, इसको हल नहीं किया जा सकता है। एक मान लो हम दे दें ऐसे, कोई भी आप लोग ले सकते हैं, जो कि 2 या x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = 0, ठीक है। इसको हल करेंगे क्या होगा, पहले चेक करेंगे हम, ठीक ना, कि ए की जगह कितना है, 1 है, बी की जगह पे 5 है, सी की जगह पे 6 है। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 5, सी की जगह पे 6, तो क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल बी की जगह पे 5 लग रहे हैं, 4, ए की जगह कितना होगा 1, सी की जगह पे 6, 5×5=6, 6×4=24, 1 है कि नहीं, यह क्या है, ए मान।
जीरो से बड़ा है, मतलब एक दो तीन चार पॉजिटिव में आ जाए तो जीरो से बड़ा कहा जाएगा। इसके मतलब क्या हो गए, दोनों मूल वास्तविक और समान हो गए। अभी समीकरणों को अगर हम हल करते हैं तो इसके दो मूल प्राप्त होंगे और दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। देखिए हल करके हम बताते हैं, यहाँ लिख देंगे हम दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होगा, असमान होगा, ठीक है, दोनों मूल वास्तविक और असमान होगा। कैसे होगा इसको हम हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो, क्या होगा ये थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो, तीन दूना छः तीन दो पाँच, बीच में हम कर देंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस थ्री, टू कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, या एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, या एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो एक्स इक्वल माइनस थ्री, मतलब यही एल्फा कहेंगे, एल्फा का मान क्या हो गया माइनस थ्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस टू इक्वल जीरो इक्वल माइनस टू, इसी को बीटा विषे एक्स बीटा माइनस टू देखें, दोनों मूल क्या है, दोनों जो रूट से अलग अलग है, यहाँ माइनस तीन है या माइनस दो है, तो क्या हो गया हो तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। देखो वास्तविक और असमान लिख दिया, ठीक है, तो ये चेक करने से पता चलेगा कि मूल क्या होंगे। पहले उसके बारे में पूरा निर्णय ले लेंगे कि इसके दो मूल मिलेंगे, दोनों अलग अलग होंगे और दोनों मूल क्या होंगे रियल होंगे, ठीक है। अब मान लो हम ये कह दें कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फोर एक्स प्लस फोर बराबर जीरो को हल कीजिए, इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है, ए बराबर वन, बी बराबर माइनस फोर, सी बराबर फोर, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो, ठीक है, बी की जगह पे माइनस फोर रखेंगे, मान निकाल रहे हैं इसका ना, बी के जगह पे माइनस फोर रखेंगे, फोर ए की जगह पे वन, सी के जगह पे चार, सोलह माइनस सोलह बराबर जीरो, जीरो आ गया। इसके क्या होंगे, दो मूल प्राप्त होंगे, दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे, मतलब अल्फा का मान भी बराबर होगा और बीटा का मान भी बराबर होगा, मतलब दो मूल प्राप्त होंगे, दोनों मूल बराबर, ठीक है, मतलब पहले पूरे सवाल के बारे में हमें डिटेल में मिल गया कि इसको हल करने पे इसके दो मूल मिलेंगे, दोनों मूल जो होंगे दोनों रूट होंगे बराबर होंगे, ठीक है, और रियल होंगे। अब हल करने पे देखें कैसे हो रहा है, सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो, क्या करेंगे, चार है तो दो प्लस दो, दो दूना चार प्लस फोर इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू हो जाएगा एक्स माइनस टू, एक बार हम एक्स माइनस टू बराबर जीरो करेंगे, एक्स माइनस टू इसको अल्फा मान लेंगे, अल्फा का मान कितना हो गया टू हो गया, पुनः अगर एक कर दें तो एक्स माइनस टू बराबर जीरो, एक्स इक्वल टू बीटा इक्वल टू, देखो यहाँ से चेक हम किए हैं ना, तो चेक जीरो आए, जीरो में क्या कंडीशन होता है कि यदि जीरो आ जाए तो दोनों मूल बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, यहाँ दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे, दो दो हुआ, वो पहले उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। ऐसे सवाल को हम लोग क्या करते हैं, हल नहीं करेंगे, जो लेस देना है, यहाँ माइनस आ जाए तो सीधे लिख देंगे,
इसके मूल काल्पनिक है, अतः इस समीकरण को हम हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कि एक और सवाल देखो, अगर हम दे दें तो अब आप लोग कोई भी सवाल चेक करें, हल करेंगे तो पहले चेक कर लेंगे कि इसके मूल क्या मिलेंगे, उसके बाद ही आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न देखें। उम्र वर्ग बनाकर, उम्र वर्ग बनाकर समीकरण 6x² - 6x + 8=0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करो, 5x² - 6x - 2=0 के मूल ज्ञात करो पूर्ण वर्ग बनाकर। कल जो हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि पढ़े थे, बहुत डिटेल में पढ़े थे, आज उसी विधि से हम लोग करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर इसके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लें कि इसको हम लोग हल कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 5x² - 6x - 2=0 इसकी तुलना हम ax² + bx + c = 0 से करेंगे। करने पर जब करेंगे तो क्या होगा, a = 5 b = 6। देखो हम इसलिए चेक करने की विधि बता दे रहे हैं कि आप लोग एक दो में प्रैक्टिस हो जाए, जिसमें कहा हो कि इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं, यदि नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर अस्तित्व में हो तो ज्ञात कीजिए, उसी में केवल चेक करते हैं। ऐसे सवाल में हम डी का मान अथवा ये चेक नहीं करते हैं, आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे सवाल दिया हो तो डायरेक्ट हम उसको हल करते हैं। ठीक है, चेक भी करेंगे तो इसके मूल क्या होगा पता चल जाएगा। वैसे सवाल को केवल हम तभी चेक करते हैं जब दिया हो, जो कि आपको 4.3 में पहले में दिया है प्रश्न में कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ठीक है, अगर ये दिया हो तभी हम चेक करेंगे, नहीं अगर दिया हो चेक नहीं करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम बताए थे कि x के आगे जो भी चीज होता है, जो भी अंक होते हैं, उससे हम सभी पक्षों में भाग दे देते हैं, मतलब दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो क्या है, 5 है ना, तो 5 से सभी में भाग देंगे, यहाँ क्या होगा x² - 6/5x - 2/5 ये हो जाएगा। क्या किए हैं, दोनों पक्षों में x से भाग दिए हैं, इसमें 5 से भाग दिए हैं, इसमें 5 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 2 से गुणा किए हैं ना, यहाँ 6/5 × 2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको आप इधर कर देते हैं तो 2/5 होगा। 2 इसलिए किए हैं, कल बताए थे पूर्ण वर्ग के लिए 2 होता है, तो a - b होता है, इसका a² - 2ab + d² होता है, a + b होता है, a² + 2ab + b². ठीक है, तो बीच में 2 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 नहीं है ना, इसीलिए 2 से गुणा किए हैं, 2 से भाग दिए हैं ताकि मान में अंतर न पड़े। x² - 2x × 6/10। ठीक है, ध्यान दो,
एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी प्लस क्या है यक्ष ए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे यहाँ कितना है 6/10 है, इसका वर्ग है, देखो बी स्क्वायर है तो वर्ग है इसका वर्ग, मतलब यहाँ जोड़े हैं तो आपको पता होगा इक्वेशन के समीकरण के दोनों पक्ष में कोई भी अंक आप जोड़ो घटाओ गुणा करो अथवा भाग दो किसी भी एक अंक से तो मान में परिवर्तन नहीं पड़ता है, इसमें भी हम 6/10 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, यक्ष माइनस 6/10 का वर्ग, यक्ष स्क्वायर माइनस टू ए बी धन बी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 2/5 प्लस काटेंगे तो क्या होगा, दो में द्वितीय 6, 2/5, 10, 3/5 का वर्ग, ठीक है। यहाँ भी हम काट सकते हैं यक्ष माइनस 2/3, 6, 2/5, 10 का वर्ग, यहाँ क्या होगा 2/5 प्लस 9/25, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे इस रूप में हम लिख लिए, सभी में 5 से भाग दिए हैं, फिर यहाँ ऊपर 2 से गुणा किए हैं और 2 से भाग भी दिए हैं इस फार्मूले में बदलने के लिए, ठीक है। अब ये गुणा किए ए हो गया, देखो यहाँ 6/10 से यहाँ भी 6/10 करेंगे, मतलब इसका 6/10 का वर्ग करेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। चाहो तो यहाँ काट भी सकते हैं हम लोग, ठीक है, अगर चाहो यहाँ काट भी सकते हो, नीचे काट दिए कोई बात नहीं है, चाहो तो आप यहीं पे काट सकते हो, ठीक ना। दो से काटे 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, ठीक है, यहाँ भी काट लिए हैं। अब इसको हल करेंगे हम लोग, देखें कैसे, यक्ष माइनस 3/5 का वर्ग इक्वल 25 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे 5×25, 5 आया, 5×9 = 10, यहाँ 10 यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। यक्ष माइनस 3/5 इक्वल 19/25, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे यक्ष माइनस 3/5 इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 19/25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ यक्ष माइनस 3/5 इक्वल प्लस माइनस 19/5 हो गया। अब इसको हम इधर करेंगे ऐसे, यक्ष इक्वल 3 माइनस ए प्लस हो गया, 3/5 प्लस माइनस अंडर रूट 90/5, अब 5 दोनों में है तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19, ठीक है। इसके दो मूल होंगे, एक अल्फा होंगे बीटा होंगे, तो अगर अल्फा लेते हैं तो प्लस ले लो, ठीक है, ये बीटा लेते हैं माइनस ले लो। अगर बीटा में भी प्लस ले सकते हैं, अल्फा में माइनस ले सकते हैं, इससे गलती सवाल नहीं होता है, किसी को हम ले सकते हैं, ठीक है, यही इसके दो मूल। ध्यान देना, यदि अंडर रूट ऐसे आ जाता है तो इसी को हम अपरिभाषित बोलते हैं, किसी सवाल में अंडर रूट का माइनस कभी नहीं हो सकता है, वह परिभाषित होगा, वही समीकरण को हम हल नहीं कर सकते हैं, मतलब अंडर रूट माइनस 90 आ गया, अपरिभाषित हो गया, यहीं पे गणित समाप्त हो जाती है, मतलब इसके आगे हम कोई सवाल को हल नहीं कर सकते हैं, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से हल करेंगे जो आपके सिलेबस से ऊपर है, और यहाँ आ जाए तो समझो इस सवाल को हम हल नहीं कर सकते हैं आपके कोर्स में, ठीक है। बाकी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर आई करके हम लोग हल करते हैं, बहुत बात की बात है, ठीक है, यही इसके हल होंगे, अल्फा बराबर प्लस बीटा बराबर माइनस, ठीक है।
एक साल और देखें, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने हैं भी, पूर्ण वर्ग बनाकर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के मूल ज्ञात करो। पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना है हमको, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। सबसे पहले किससे भाग देंगे हम, 4 से। सही में क्या होगा यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ दो करना पड़ेगा, 2 × 3/4, यहाँ दो से गुणा कर देंगे। ऊपर दो से गुणा किए हैं तो नीचे भी दो से क्या करेंगे, हर में भी दो से गुणा करेंगे, ताकि ये कट जाए, मान में परिवर्तन ना हो। ये फार्मूला बनाने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस 5/4, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 5/4। देखो अब फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 9/8, यहाँ जोड़ेंगे क्या, 9/8 का वर्ग, ठीक है। ऐड क्या करेंगे, 9/8 का वर्ग। अगर इधर जोड़ते हैं इधर भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना, प्लस करना पड़ेगा। 9/8 का वर्ग माइनस 5/4, ठीक है। एक बार और देख लें, अगर 4 है तो 4 से दोनों पक्षों में भाग देंगे, यहाँ भी 4 से भाग दिए हैं, यहाँ 4 से भाग दिए हैं, राइट। अब यहाँ पे नीचे 4 आया है, यहाँ 2 करना है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में बीच में 2 आता है। 2 लाने के लिए यहाँ 2 से ऊपर गुणा किए हैं तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे क्या होगा, 2 × 4 = 8, ठीक है। यहाँ पे 3 होगा ना, 3 में से, ठीक है। ये क्या हुआ, 3/8 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 3/8 का वर्ग यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी 3/8 में वर्ग करेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इसके जवाब में हम x प्लस 3/8 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। फार्मूला ए है, ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया वर्ग। यहाँ क्या करेंगे हम, 3 × 3 = 9 = 28 माइनस 5/4, ठीक है। अब लिख सकते हैं एक्स प्लस 3/8 का वर्ग 64, यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना होगा, 16/25, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, एक्स प्लस 3/8 का वर्ग यही हुआ ना, यहाँ क्या हो गया माइनस, ठीक है। अंडर देखो, इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए इस समीकरण को हम हल नहीं कर सकते। यहाँ अंडर रूट में माइनस आ गया ना, ऐसे समीकरण को हम हल नहीं कर सकते। वही शुरू में अगर इसको हम चेक कर लेते, इस फार्मूले पे बी स्क्वायर माइनस 4ac = 0, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते तो क्या आ जाता, बी की जगह पे 3 है ना, 3 का वर्ग माइनस 4 × 4 = 5, 9 × 4 = 16, 25, 80, कितना होगा, माइनस आ गया मान। माइनस मतलब क्या हुआ,
इसके मूल काल्पनिक होंगे, अतः इस समीकरण को हम हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में केवल दिया था कि पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ तक तो कर लेना, यहाँ तक करने के बाद लिख सकते हो कि चूंकि इसका मूल का अस्तित्व तो नहीं है, अतः ऐसे समीकरण को हम हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही चेक करने के लिए कहा था, फिर आप लोग चेक करके हल करते। कल आप लोग 4.3 हल करके देखिएगा, नहीं आए तो आप लोग पूछ लेंगे, हम बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।